दोस्तों, आज की मूवी कुछ ज्यादा ही यूनिक होने वाली है। क्या हो अगर आप और आपके दो दोस्त एक मिस्टीरियस गड्ढे में जाकर एक क्रिस्टल से ऐसी पावर मिल जाए जिसका कोई तोड़ ना हो। तो मूवी की स्टार्टिंग में हम मूवी के मेन कैरेक्टर एंड्रियो को देखते हैं। एंड्रियो जिस हालत से गुजर रहा है, शायद किसी के लिए एक दर्दनाक जिंदगी होगी। एंड्रियो की मोम की हालत कैंसर जैसी बीमारी से दिन ब दिन बेकार होती जा रही है और एंड्रियो पर अपनी मोम के इलाज के लिए पैसे भी नहीं है, इसलिए एंड्रियो अपनी माँ को दिन ब दिन मरते हुए देख रहा है। एंड्रियो के फादर एक फायर फाइटर है, पर समय के चलते उसके फादर को नशे की लत लग जाती है और वो अपनी जिंदगी का सारा गुस्सा एंड्रियो को मारकर उतारा करता है। और तभी हाल ही में एंड्रियो को एक कैमरा मिलता है और एंड्रियो अपने आप को बिजी रखने के लिए हर टाइम कैमरे पर रिकॉर्डिंग करता रहता है। एंड्रियो जब कॉलेज में अपना कैमरा लेकर जाता है तो उसके दोस्त भी उसकी पिटाई करके उसके कैमरे से ही उसकी वीडियो बना लेते हैं। एंड्रियो का एक दोस्त भी होता है मैट, एक वही है जिसके साथ एंड्रियो अपना ज्यादातर समय अच्छे से बिताता है। तभी मैट एंड्रियो से कहता है, आज रात हमारे कॉलेज में एनुअल पार्टी है, हमें भी उसमें जाना चाहिए। पर एंड्रियो जाने से मना कर देता है क्योंकि कॉलेज के लोग उसका मजाक उड़ाते थे। पर मैट के ज्यादा कहने से एंड्रियो मान जाता है क्योंकि वो सोचता है पार्टी में जाकर वो अपने कैमरे से वीडियो बनाएगा। पर जब वो पार्टी में जाकर वीडियो बनाता है तो एक लड़का को उस पर शक होता है कि वो मेरी गर्लफ्रेंड का वीडियो बना रहा है और वो लड़का उसको डांट कर वहां से भगा देता है और एंड्रियो बाहर आकर रोने लगता है। पर तभी स्टीव नाम का एक क्लासमेट उसके पास आता है और एंड्रियो से कहता है कि जल्दी चलो, हमें एक अजीब सी चीज मिली है, हम तुम्हारे कैमरे से उसी का वीडियो बनाएंगे। वो तीनों उस अजीब से गड्ढे के पास पहुंचते हैं और बाहर से तो वो गड्ढा बहुत ही छोटा दिख रहा था, पर उसके अंदर एक गुफा थी और उस गुफा के अंदर इन तीनों को मिस्टीरियस क्रिस्टल मिलता है और ये मजे मजे में उस क्रिस्टल को छू लेते हैं। वो क्रिस्टल को छूते ही वो क्रिस्टल लाल हो जाता है और इन तीनों की नाक में से खून निकलने लगता है। पर वो तीनों मरे नहीं थे, वो तीनों एक हफ्ते बाद एक ग्राउंड में अपनी शक्तियों का प्रैक्टिस कर रहे थे। ये शक्तियाँ उन्हें उसी क्रिस्टल से मिली होती हैं। इस पावर को इंग्लिश में टेनी केलेसिस कहते हैं और यह पावर किसी के इंसान के दिमाग को इतना तेज कर देती है कि वो किसी चीज को छुए बिना ही उसे कंट्रोल में ला सकता है। अब पावर इन तीनों को मिल जाती है, पर एंड्रियो इन पावर को जल्दी ही पहचान लेता है और एंड्रियो इन दोनों से ज्यादा पावरफुल बन जाता है। इसके बाद यह तीनों उसी जगह पर जाते हैं पर वो गड्ढा मिट्टी से ढक चुका था। इसके बाद यह तीनों सोचते हैं कि आखिरकार इन पावर का क्या किया जाए। यह तीनों आखिरकार टीनेजर थे, इसलिए इनका दिमाग हरामी हरकतें करने लगता है, जैसे कि स्कूल की लड़कियों को तंग करना और रेस्टोरेंट के वेटर को तंग करना और मॉल में सामान को इधर से उधर रखना और यहाँ तक कि छोटी बच्चियों को भी डराना। अब यहाँ तक तो ठीक था, पर हद तो तब बढ़ जाती है जब ड्राइविंग करते समय पीछे चल रही गाड़ी को तालाब में गिरा देना। पर सही मौके पर स्टीव उस बंदे को बचा लेता है, जिसके बाद हम रात में एट एंड्रियो से कहता है कि हम दिन ब दिन ताकतवर होते जा रहे हैं, इसलिए हमें इन ताकतों का कुछ रूल तो बनाने होंगे। रूल नंबर पहला, हम किसी भी लिविंग चीज को अपनी शक्तियों से नहीं हिलाएंगे। और दूसरा रूल, हमें जब गुस्सा आएगा तो हम अपने ऊपर कंट्रोल रखेंगे, क्योंकि आज उसी के चलते एक आदमी मरते मरते बच गया। पर तभी एंड्रियो कहता है, मैंने उसे जानबूझकर नहीं मारना चाहता था, मैं तो बस उसके साइड में करना चाहता था, पर वो गलती से तालाब में गिर गया। और अगले दिन यह तीनों उसी ग्राउंड में अपनी शक्तियों को चेक कर ही रहे थे कि हैरानी की बात तो यह है, स्टीव अब उड़ना भी सीख लिया है और स्टीव अब इन दोनों को भी उड़ना सिखाता है। और उन दोनों को शुरुआत में बहुत मुश्किल होती है, पर वो बैलेंस बनाकर उड़ने लगते हैं। अब इनके लिए उड़ना तो आम बात हो चुकी थी और अभी यहाँ तक कि स्कूल भी आना जाना उड़कर किया करते हैं। एक दिन स्टीव एंड्रियो से कहता है कि हमारे कॉलेज में एक टैलेंट शो हो रहा है, क्यों ना तुम एंड्रियो उसमें हिस्सा लो और तुम लोगों के सामने स्टार बन जाओ। इस पर एंड्रियो मान जाता है और टैलेंट शो में हिस्सा ले लेता है। और अगले दिन जब स्टीव स्टेज पर आता है तो जोर जोर से लोग चिल्लाने लगते हैं क्योंकि स्टीव अपने स्कूल में एक फेमस बंदा था। लेकिन जैसे ही एंड्रियो आता है तो लोग उस पर हंसने लगते हैं, लेकिन इनकी हंसी ज्यादा देर तक नहीं चली। एंड्रियो जब अपना मैजिक दिखाता है तो सब लोगों को चौंका देता है और अब लोगों की नजर में एंड्रियो स्टार बन चुका था और अब तो लोग एंड्रियो से बात करना चाहते थे। अगले दिन एंड्रियो एक स्पाइडर के हाथ पैरों को अलग कर देता है, तभी वो एहसास करता है कि उसने किसी को मारा पर उसे दुख नहीं हुआ। दूसरी तरफ एंड्रियो के माँ बिना दवाइयों के तबीयत ज्यादा खराब हो जाती है और तभी इधर एंड्रियो के डैड को पता चल जाता है कि उसका कैमरा गायब हो चुका है, तो वो एंड्रियो को चिल्लाता है और उसे मारता है, पर अब की बार एंड्रियो उसको ही पटक देता है। और इधर स्टीव और मेट की नाक
आंख में से खून निकलने लगता है क्योंकि एंड्रयू ने अपनी शक्तियों का कुछ ज्यादा ही इस्तेमाल कर लिया था। और स्टीव उससे मिलने आता है और कहता है कि चलो नीचे, पर एंड्रयू उससे कहता है कि तुम मुझसे दूर रहो। और स्टीव उसे ज्यादा फोर्स करता है तो एंड्रयू उस पर बिजली गिरा देता है जिससे वो वहीं पर मर के नीचे गिर जाता है और स्टीव की बॉडी ग्रे यार्ड में आधी जलुई मिलती है। मैट को एंड्रयू पर शक था क्योंकि उस रात को उस शहर में कोई भी बिजली गिरने की रिपोर्ट नहीं आई थी। और एंड्रयू ग्रे यार्ड में भी रिकॉर्डिंग करने लगता है और मैट उससे रोकने को कहता है पर वो उड़ के वहां से चला जाता है। अगले दिन एंड्रयू जब अपने कॉलेज में जाता है तो उसका एक दोस्त उसे चिढ़ाने लगता है, पर एंड्रयू अपनी शक्तियों से उसके दांतों को ही बाहर निकाल देता है और टॉयलेट में जाकर वीडियो बनाकर उसके दांतों को फ्लैश कर देता है। अब एंड्रयू को अपनी ज्यादा शक्तियों के साथ साथ उसे ऐसी बीमारी हो गई थी कि वो किसी को भी मारे पर उसे दुख भी नहीं होगा। और रात को मैट एंड्रयू को समझाने आता है पर एंड्रयू कहता है अभी मुझसे बात मत करो, मैं अपनी माँ की दवाई लेने जा रहा हूँ। जिसके बाद एंड्रयू अपनी दवाई लेने जाता है। स्टोर वाले उसे दवाई नहीं देते क्योंकि उसके डैड ने पहले की दवाइयों के पैसे नहीं दिए हैं और कहते हैं कि हम तुमको और दवाई नहीं दे सकते। अब एंड्रयू के पास कोई चारा नहीं बचा था सिवाय चोरी करने के लिए। वो जब अपने पिता का फायर फाइटर सूट पहनकर बाहर जाता है लोगों को लूटने के लिए, पर वो लोग एंड्रयू को पहचान लेते हैं जिससे एंड्रयू उनको बहुत मारता है और उनसे पैसे छीन लेता है, पर वो पैसे काफी नहीं थे दवाई के लिए। अब एंड्रयू बड़ी चोरी करने के लिए एक ग्रोसरी दुकान में जाकर बड़े पैसे चुरा लेता है, पर वो दुकान का मालिक उस पर गोली चलाता है और एंड्रयू अपने बगल में लगी पेट्रोल पंप पर उस गोली को मोड़ देता है जिससे वहां पर बहुत बड़ा धमाका होता है और उस आग में एंड्रयू भी घायल हो जाता है। और एंड्रयू जब हॉस्पिटल में था तब उसके पिता आकर उसे कहते हैं मुझे बहुत दुख है कि तुम्हारी माँ मर गई और इस सब का जिम्मेदार तुम ही हो और तुम मेरी बात सुन रहे हो पर तुम नाटक कर रहे हो। और उसका गला पकड़ता है तो जब एंड्रयू उसका हाथ ही पकड़ लेता है और उस रूम में विस्फोट कर देता है। इधर मैट की नाक में से बहुत खून निकल रहा था और वो एंड्रयू को रोकने के लिए वहां पर जाता है, पर एंड्रयू ने अपने डैड को उस बिल्डिंग में से नीचे गिरा दिया था, पर मैट उसके डेड को बचा लेता है और एंड्रयू इससे गुस्सा हो जाता है क्योंकि मैट ने उसके डेड को बचाया था। और एंड्रयू मैट को ऊपर बुलाकर कहता है तुमने मेरे डेड को क्यों बचाया। और इतने में ही एंड्रयू उस पर एक बड़ी बस गिरा देता है जिससे मैट काफी ज्यादा घायल हो जाता है। अब एंड्रयू अपने ऊपर से कंट्रोल खो चुका था, वो आसपास के लोगों को बहुत नुकसान पहुंचा रहा था और उन्हें मार भी रहा था। अब मैट इस सब को रोकने के लिए एंड्रयू के पीछे खड़ी हुई मूर्ति का भाला निकालकर एंड्रयू के शरीर में आर पार कर देता है और तभी वहां पर पुलिस आ जाती है मैट को पकड़ने के लिए, पर मैट वहां से भाग जाता है। और 3-4 हफ्तों के बाद मैट हिमालयों की पहाड़ी में दिखता है जहां पर मैट एंड्रयू के कैमरे से वीडियो बना रहा था और उसका कैमरा चालू करके वहां से चला जाता है अपने नॉर्मल लाइफ जीने के लिए। और यहीं पर मूवी का एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।